हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इग्नू से हैं और वो जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या दिसंबर के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं 2024 के लिए, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सारे जो जितने भी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मिल चुके हैं। बस आपके वन शॉट आना जो है वो बाकी है, वो आपके एग्जाम से पहले पहले, जून एग्जाम से पहले पहले आपको मिल जाएगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स कर रहे हैं ढेर सारे, ताकि वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। डेफिनेटली पहुंच जाएंगी और किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे हम लोगों को। तो मैंने सारे के सारे, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर सारे बच्चों का सपोर्ट मिला और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत करी है, आप लोगों ने करी, हमने करी, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को जो है पूरे के पूरे वन शॉट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए लाइक जरूर से जरूर करना है, शेयर करना है, बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें, टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर काफी अलग अलग टॉपिक को पूछा गया है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। वो ये है कि टॉपिक थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, उसका रीजन क्या है कि ई कॉमर्स का जो पेपर आ रहा है इग्नू वाले स्टूडेंट्स का, उसमें शॉर्ट नोट ज्यादा आते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स में चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग अपना खुद का एनालाइज कह सकते हैं, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, सब कुछ करने के बाद ये टॉपिक्स बता रही हूँ। टॉपिक थोड़े ज़्यादा रहेंगे, सो एक तरीके से आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। 99% इन्हीं क्वेश्चन का आने का चांस रहेगा, लेकिन 1% मैं हमेशा कहती हूँ, अगर क्वेश्चन ने एग्जामिनर आपका क्वेश्चन घुमा देता है तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे बिकॉज ऑफ द वन शॉट। तो आप फटाफट स्टार्ट करें। सबसे पहला आपको करके क्या जाना है, डिफरेंसेस ज्यादा से ज्यादा करने हैं क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट भी कवर हो जाएगा, मीनिंग आया तो भी कवर हो जाएगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बनता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच का डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में पूछा गया है, सिक्योरिटीज़, राइट। साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनिक के पेमेंट सिस्टम जो होते हैं, पेमेंट सिस्टम्स, ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, ये सब आपसे आ सकता है। बी टू बी के बारे में पूछा गया है, बी टू बी एंड बी टू सी का डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कह लो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कह लो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ठीक है, सिग्नेचर काफ़ी बार पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी हो गई, साइबर क्राइम्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे आती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके जितने भी ऑनलाइन, थोड़ा सा स्लो बोलना की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम थोड़ा स्लो बोलिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा स्लो बोला जाए मेरे से, मतलब स्पीड में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं। ऑनलाइन वेब बेस्ड लर्निंग, ये भी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों से, और शॉर्ट नोट जो है ना वो तो बहुत सारे हैं, मैं इतने सारे तो क्या ही बताऊं, बट हाँ आपको एक आइडिया ज़रूर देना चाहूँगी, शॉर्ट नोट थोड़े बताती हूँ कि किस तरीके से आते हैं। शॉर्ट नोट कभी भी सेम नहीं आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, बट हाँ एक दो सेम हो सकते हैं, दो सेम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं होते। जैसे चार पिछली बार पूछे गए तो चारों के चारों सेम नहीं होंगे, वो आपके पूरे जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से कोई सा भी एक टॉपिक उठा के शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर जब आप करोगे ना, वन शॉट करोगे, तो शॉर्ट नोट आपका वहीं से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बस बता देती हूँ कि शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपका ये हो गया आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, या फिर IMPS हो गया, ये काफ़ी बार डिफरेंस पूछा गया, इसको स्किप ना करें। ENM हो गया, GM हो गया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। स्पूफिंग है, स्निफिंग है, ये भी काफ़ी बार पूछे गए टॉपिक्स हैं आपके। डिफरेंस भी अगर इसने कर लिया आप लोगों ने, तो डिफरेंस आए, शॉर्ट नोट आए, मीनिंग आए, आप कर पाएंगे। तो साइबर क्राइम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, बट एक टॉपिक और है इसके अंदर, मतलब साइबर से रिलेटेड सब करके जाना है, ये तो आप नोट करके चलो, साइबर से रिलेटेड सब टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन वाला जो टॉपिक है,
इसमें जो भी इसके टाइप बनते हैं वो सब आप देख लेना। शॉर्ट नोट में मैं फिर से यहाँ से दो तीन बता देती हूँ आप लोगों को टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जैसे ई टेलिंग हो गया, मॉडल्स हो गए, है ना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जो होती हैं चीज़ें, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, ये बहुत सारे हैं, मैं इतने सारे नहीं लिख सकती, फिर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही बता दिया है, लेकिन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे अगर मैं आती हूँ तो आपके जो मॉडल्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉडल्स किस तरीके से बिजनेस मॉडल हो गए, बिजनेस मॉडल हो गया आपका, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और गार्टनर का आपका इवोल्यूशन मॉडल, ठीक है, मॉडल तो आपको सारे ही देख कर जाने हैं, ठीक है, ये आप स्किप ना करें। पेमेंट सर्विसेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, पेमेंट गेटवे आप कर सकते हैं, एक अदर लिनक्स एंड विंडो के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट 100%, वो है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको वैल्यू बेस भी बन सकता है और कई तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। IT एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है 2000, ठीक है, फिर ई कॉमर्स के जो भी वेज हैं, है ना, वो पूछे जा सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट पूछ लिया, मीनिंग पूछ लिया, वैल्यू बेस बना के पूछ लिया, जैसे Zomato है, बुक माई शो, eBay, Amazon, ये सारे जितने भी है ना, या फिर आपका बुक माई शो हो गया, आप देखते हैं मूवी की टिकट्स वगैरह चेक करते हैं बुक माई शो पे, Amazon पे प्रोडक्ट वगैरह देखते हैं, eBay वगैरह पे आप सामान ऑर्डर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो को मैं बोलती हूँ हमेशा सुनो भी क्या क्या है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट, ठीक है, इसका आप डिफरेंस कर लो, क्योंकि डिफाइन आएगी तो भी आप कर पाओगे और डिफरेंस आया तो भी आप कर लोगे। और बाकी ई कॉमर्स के जो वेज हैं वो भी आप देख सकते हो, और बाकी जो पेमेंट वाला मैंने बताया उसमें क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको शायद बता दिया, हाँ, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन वाला टॉपिक। बैंकिंग और ई बैंकिंग ज़रूर देख लें, बैंकिंग एंड ई बैंकिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ई वॉलेट हो गई, ये सारे देख लेने आपको। सॉफ्टवेयर हो गए आपके ई कॉमर्स के, है ना, ई कॉमर्स तो आपको सारा ही करके जाना है, मतलब इसके टाइप्स कह लो, मीनिंग कह लो, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि मस्ट है करनी आप लोगों को। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, ये भी बहुत बार पूछा गया है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज HTTP, शॉर्ट नोट में तो आपके करेंसी हैकर्स ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हैकर से रिलेटेड भी आप पढ़ के जाएं, ठीक है, ये सब। तो ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड भी अगर कुछ दिखता है तो, इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगी कि आपको ई कॉमर्स बहुत अच्छे से करना है, सिक्योरिटी, इंस्क्रिप्शन और आपका वेबसाइट, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। सो, मैंने पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो सारे के सारे बता दिए हैं। अगर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप देख सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप DU के हैं, चाहे IGNOU, MDU, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, IP से भी हैं तो भी कर सकते हैं। सो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।